समझो कि हमारे को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर रखी हैं, आज तक भी मुंह नहीं खोला हुआ कभी भी, लेकिन फिर भी आप जरा भी लिहाज नहीं कर रहे हो, राधिका को सुना रहे हो कि तेरी मम्मी पापा आते हैं ये करते हैं बहुत आना जाना है। क्यों मैं गांव जा रही हूँ आराम से रहो, जरूरत उनके मेरे घर बहुत आते जाते हैं, सुनिए इसका मतलब थोड़ी ना कि कोई वो बेइज्जती से घर भरी थोड़ी उन्होंने बोला है, वो तो पीछे में मुझे नहीं माफ करो हमें, तुम करना तुम्हारी मम्मी तो फिर वही है कि लूटने वाली बात है, लूटने वाली तो बात तुमने करी है। ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि हमारे यहाँ आना जाना भी बहुत है, ये है वो है, जब आप मतलब आप गुनगुन को भी यहाँ रख रहे हो तो हम आज तक कभी कुछ नहीं बोले, हमने आप पे कभी भी कुछ बोला, और हमने इसके राधिका के पापा से आपने पैसे मांगे, हमने पैसे भी दिए, उसके बाद भी हम आपको कुछ बोले, लेकिन हमारी बात आपको बहुत खल रही है बात। आओ बैठो, अभी अभी आए हो क्या? हाँ राधिका से मिलने आई थी, थोड़ा मिल ली है। और सब ठीक ठाक? सब ठीक, क्या ठीक, क्या करा आपने? क्या करा? जो लड़का मैंने दिखाया था वो आपको पसंद नहीं आया, आपने अपनी मर्जी से लड़का देख लिया, ठीक है, मेरे को तो बहुत बुरी लगी है ये बात, मतलब जो लड़का मैंने दिखा था उसमें क्या कमी थी ये बताओ जरा। बताएंगे आगे, बताओ तुम्हारी बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद मैं बोलूंगी। बात यह है कि मतलब इतने दिन से तुम सब कुछ देख रहे हो कर रहे हो, तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं थी क्या तुमको? ठीक, और क्या तो बताओ ना फिर, मैं भी तो जब मेरे पास भी जवाब है ना, मेरे पास भी तो सवाल है, दो जवाब फिर मैं देती हूँ जवाब आगे, कोई नहीं मैं भी तभी बोलूंगी। आपको बड़ा बात लगा सुनो कि आपके जो देखा हुआ लड़का है मैंने नापसंद कर दिया, और रही बात आपको अगर आपको नहीं है पता हो तो मैंने नापसंद करा तो मैंने नापसंद नहीं करा क्योंकि उसके माँ बाप राजी नहीं थे, ये तुम्हें भी पता है। राजी लड़का तो राजी था थोड़ा थोड़ा, तो टाइम नहीं दिया था उसने, टाइम मांगा तो राधिका के पापा थे सामने, उन्हीं के सामने बातचीत हुई है लड़के की और समर की और राधिका के पापा की, उन्होंने बताया नहीं तुम्हें, उन्होंने खुद 10 दिन का टाइम दिया था उनको, समर ने एक हफ्ता बोला बोला नहीं चलो 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो ये नहीं बताया उन्होंने, ये नहीं बताया 10 दिन का टाइम उन्होंने ही दिया था राधिका के पापा ने, तो भी थोड़ा देर तो इंतजार करना चाहिए था कि नहीं तो करना चाहिए था। करा है जब, एक बार बताओ जब, फिर जब उनके सामने उनके पास खुद फोन आया है राधिका के पापा के पास कि उसके पापा कह रहे हैं कि कुंडली नहीं मिल रही, तब वो बोले कि समझ नहीं आ रहा सॉल्यूशन होता आजकल, तो बताओ ना फिर, अब यही तो पूछा था कि भाई उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है कि कुंडली नहीं मिल रही, तो वो बताएं तो सही क्या उन्हें दान दहेज चाहिए, या अगर कुंडली नहीं मिलती तो पूजा वूजा भी होती है, बहुत उपाय होते हैं, पूछो तो कह रहे नहीं वो फोन पे बात नहीं कर रहे हैं कि कुंडली नहीं मिल रही, हमने उनसे बोला कि तुम बात तो करो कि बात क्या है, कुछ उपाय होगा कुछ तो होगा, या बच्चे के रहन सहन को लेकर जैसे भी है, तो उन्होंने क्लियर कोई जवाब ही नहीं दिया, तो अब एक बात बताओ लड़का तो कह रहा चलो लड़का पसंद कर रहा है उसको या जो भी है, हाँ इस बात पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई लड़के को देखो तुम भी जानती हुई है कि एक होता पुरानी जान पहचान होती है, ठीक है, अब एक नया नया कोई आया अचानक से बच्चे को लेके जा रहा है बाहर तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो आप चलो ये तो चलो सब बातें ठीक है, लेकिन तो आप राधिका के कुछ नहीं बात कर रहे हैं क्या? नहीं आप मतलब हमारे आने पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि हमारे यहाँ आना जाना भी बहुत है, ये है वो है, जब आप मतलब आप गुनगुन को भी यहाँ रख रहे हो तो हम आज तक कभी कुछ नहीं बोले, हमने आप पे कभी भी कुछ बोला, और हमने इसके राधिका के पापा से आपने पैसे मांगे, हमने पैसे भी दिए, उसके बाद भी हम आपको कुछ बोले, लेकिन हमारी बात आपको बहुत खल रही है। बात वो नहीं खल रही, बात ये वाली बात है, अगर देखो मैं बात कहूँ खलने वाली बात, तो थोड़ा सा मेरा भी इंतजार कर लेते, मैं कोई गुनगुन की इंतजार होता ही नहीं होता, ये बताओ क्या करा रोका करा ना, एक बात बताओ हमने शादी तो नहीं कर, जब वहाँ पे जब रोका करा उसमें भी कह रहा था समर 20-21 हजार रूपए लग गए थे, सुनना मेरी बात, अब एक बात बताओ फिर वो अचानक से एकदम से बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर उन्होंने भी दिया उधर उधर भी, दोनों तरफ का नुकसान हुआ ना, और फिर देखो वो हंसी वाली बात हो जाती है कि लो जी अभी अब एकदम से लड़का पसंद था, लड़के वालों ने रोका करा, फिर उसके बाद वो एकदम से कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं कि रोका नहीं कहा था, नॉर्मल सा शगुन किया था उन्होंने भी किया था, हमने भी किया था, जितना आगे ये तो नहीं कोई सगाई कर दी थी, आपको पूछा नहीं, अगर शादी करते तो आपको बुलाते, यहाँ सगाई तक भी कोई बात नहीं पहुंची थी, बात जब वो देखो रोका भी बेटा हमारे लिए ऐसा हो जाता है एक पक्के वाली बात हो जाती है, ये तुम भी आजकल कुछ पक्का वक्का नहीं होता आजकल, ऐसे टूट जाती है आप तो रोके टूट जाते हैं, तो हम इतना क्यों सोच के चले कि हमें आगे चीज कर ले, बात समझो कि हमारे को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर रखी हैं, आज तक भी मुंह नहीं खोला हुआ कभी भी, लेकिन फिर भी आप जरा भी लिहाज नहीं कर रहे हो, राधिका को सुना रहे हो कि तेरी मम्मी पापा आते हैं ये करते हैं बहुत आना जाना है, तो बहुत गलत, मैंने तो समर को बोला है, और मैंने देखो जी समर को बोला, आप जानते हो जहाँ पे लड़की के घर परिवार में परिवार का जब आना जाना हो जाता है, आना जाना क्या चाहते हो, नहीं आई
मैंने ये निकाल लेकिन हर चीज का एक दायरा अगर आप चाहते हो ठीक है हम अगर आप कुछ भी करोगे ना हम नहीं आएंगे ना हमें बुलाना नहीं ये बात इस चीज पे तो देखो चिड़ना होना ही नहीं चाहिए क्यों वो बात एक अलग है देखो थोड़ा बहुत होता है वो ठीक है अब ऐसे तो मैं भी जाऊंगी तो तुम दिल्ली में रहते हो तुम तो देखोगे इसको मैं वो नहीं करी लेकिन हर दूसरे सोचो कि लड़की की शादी कर दी और कुछ तो भूल गए वो नहीं होता मैं तो वो कह ही मेरी बात लेकिन तुम खुद देखो ना रोज का आने जाना थोड़ा होता ही है ना फर्क देखो ये इसको मैंने बेटी माना नहीं माना मैंने इसको बोला नहीं है क्या कोई बात है तो मुझे भी तो बेटी नहीं माना बातें सुना रहे हो सब क्या सुना रहे हो तो में छोटी सी बात पे आप लोग कौन सी बात नहीं हमारे को आने की तो आपकी तुम्हारी मम्मी खत्म कर दे फिर जब पूछने आई है तो क्या होगा गाँव जा रही हूँ मैं गाँव जा रही हूँ आराम से मैं जरूरत उनके मेरे घर बहुत आते जाते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कोई वो बेइज्जती से घर भरी थोड़ी उन्होंने बोला है वो तो पीछे में मुझे बोल रही थी पीछे में बोल रही थी तो मुझे भी तो सुनाई देगा ना भाई मैं भी घर में ही रहती हूँ बाहर नहीं रहती हूँ मैं अगर मैं भी ऐसे पीछे से बोल रही हूँ कभी ऐसे तो आगे बोल देते कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा के ज्यादा लड़का मत देखो घर पे बिठा लेते फिर उसको इतना इतनी बड़ी बात नहीं है इसको खींच के कोई फायदा भी नहीं सुना इसीलिए रहे हैं डायरेक्ट बोल दो कि आप हमारे घर मत आया नहीं है अगर आप उल्टा समझ रहे हो ना तो मैं उसको बात नहीं कर रहे हो आप कौन सी सीधी बात आप बात को समझ नहीं रहे हो आप लोग ना बहुत गलत ले जा रहे हो बात चल रही है अब तुम असमान लड़ाई झगड़ा रही हो गलत तो तुम्हारी मम्मी ही बोल रही थी बताओ ना बाद में आपको पूछा गया बाद में जो राधिका के पापा को बुलाया बाद में आकर के जहाँ आप लोगों की जरूरत थी हम जगह हर जगह खड़े थे नहीं खड़े ऐसा कुछ नहीं है हमारे बस हमसे की शादी हम लोग सब लोग मिल के करेंगे माफ करो हमें तुम करना तुम्हारी फिर ये तो फिर वही है उठने वाली बात है उठने वाली तो बात तुमने करी है छोड़ा क्या है तो ये तो गलत हो रहा है ना नहीं हम हमें कोई जरूरत अगर ऐसे ही मैं लौट के चली जाती अब तुमने कर लिया मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारा घर है तुम्हारा घर है रहो हम क्यों बोलेंगे बोलने वाली बात नहीं होती एक बात को समझो ना जो मैं कहना चाह रही हूँ तो तुम मेरी बात चलो राधिका उस रूम में चलो शांत करो वहाँ शांत करो बाद में होगा इस बात में